शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कविता, आज एक बहुत अच्छी डील हुई है। बस एक डील और हो जाए तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम उसे एक ही बात पूछोगे और मेरा जवाब एक ही होगा, बच्चा। तुम फिर शुरू हो गई। ये बात तुम अपनी घर वालों को जाके समझाओ ना। गांव से हर दूसरे तीसरे दिन फोन आता है कि 8 साल हो गए शादी को, बच्चा कहाँ है। मैं किस किस का मुंह बंद करूं? कविता, अब नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? अच्छा सुनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, समझी? तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है ना, क्योंकि तुम्हें किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती, जवाब नहीं देना पड़ता ना। तो शुरू करें बच्चे की तैयारी। मेरा मूड नहीं है, प्लीज। कविता, कविता लेट हो जाएगा, मुझे काम पे जाना है, ठीक है? और हाँ, किसी का भी फोन आएगा तो मेरे पे डाल देना, मैं सब संभाल लूंगा, ओके? परेशान मत होना, चल अपना ख्याल रखना, ओके? बाय। कविता, ये है समीर। समीर, ये है कविता, मेरी पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। कविता, मैंने बोला था ना कि हमें एक किराएदार चाहिए, याद है? ओ हाँ हाँ हाँ। वही है समीर। चलो समीर, तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। चलो अपना ख्याल रखो, ठीक है? बाय। समीर जी, समीर जी, समीर जी, समीर जी, लगता है आप बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। होना भी चाहिए। कल से अजय जी को भी बोलिएगा कि हमारे साथ आके एक्सरसाइज किया करें। उनको छोड़िए, उनके बस का ना कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, इससे ना आपको बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। अरे आपको तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मैं पूछ देती हूँ कितना वर्कआउट करते हैं आप? कितना पसीना आ रहा है आपको?
आप रहने दीजिए। मैं कर देती हूँ ना, आप अपना वर्कआउट कीजिए। प्लीज आप रहने दीजिए। मैंने कहा ना रहने दीजिए। कविता, आज से तुम्हारे चेहरे पे अलग ही निखार है। अच्छा, क्या राज है? है कोई राज? अच्छा, जरा इधर आओ। आओ भी ना, क्या सोचने लगी? मूड नहीं है। कभी तो मूड में रहा करो। तुम रहते हो ना हमेशा मूड में, काफी है। कविता, मुझे मूड बनाना आता है, ओके? आजा। आज तुम अलग ही रंग में थी, मजा आ गया। आप यहाँ नहीं रात को? क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? देखिए कविता जी, सिर्फ कविता। देखिए, आप अपने कमरे में जाइए। ये ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है वो बता दो, वो ही कर लेते हैं। देखिए, आपको जाना चाहिए। अजय जी उठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो नहीं उठेंगे। मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। तो कैसे लड़के हो वो बता दो। वो मैं आओ ना, बैठिए ना। हाँ समीर बैठो जी। पराठे लगाओ समीर को। कविता जैसे पराठे इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता, मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ। चलो स्टार्ट करो। वाह कविता जी, पराठे तो सच में बहुत टेस्टी बने। और चाहिए समीर पराठे जी? वाकई में गर्मा गर्म पराठे अगर रोज खाने को मिले तो कौन मना करेगा। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही समीर, लेकिन मुझे पराठे गर्म हो या ठंडे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पराठे होने चाहिए। यू मे बी। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं रुक जाएगा। ठीक है, मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ चलो बेबी, बाय, टेक केयर। ओके समीर, बाय बाय।
इतने टेस्टी नाश्ते के लिए इनाम तो बनता है। इतनी जल्दी घर पर? अरे मुझे छोड़ो, इसे देखो। चाची, कैसा लगा सरप्राइज? वाह, क्या सरप्राइज है। अब दोनों दरवाजे पे ही मिलाप करोगे। चलो अंदर चलो। टीना, तुम कॉलेज की छुट्टियां चल रही है क्या? हाँ चाची, मैं ना कब से आपसे और चाचा से मिलने जा रही थी। एग्जाम्स खत्म होने का वेट कर रही थी। कल एग्जाम्स खत्म हुए और आज मैं आ गई। अच्छा है ना? बता तो देती ना, तो फिर सरप्राइज कैसे रहता? वो भी है। चलो फ्रेश हो लो। हाँ वाह चाची, आपके जैसे पोहे ना कोई नहीं बना सकता है, पता है? क्यों नहीं, A1 कुक है तुम्हारी चाची। वो तो है। बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ, वो अचानक से एक मीटिंग आ गई थी। चलो समीर, इनसे मिलो। ये है इस घर की तूफान, मेरी भतीजी टीना। क्या चाचू, आप भी? हेलो। हाय टीना, ये हमारे नए टेनेंट हैं, समीर नाम है इनका। ओ अच्छा, मैं फ्रेश हो गया। चाची, चाची, चाय, चाची पोहा नहीं चाय। क्यों नहीं पोहा? चाची ने टेस्टी पोहा बनाया है। अभी तुमने ही बोला था ना, चलो फिनिश करो। बस चाचू, नहीं बनानी सेहत, मोटी हो गई हो, पतली कैसे होंगी वापस? कैसे मोटी हो गई हो, पतली हो गई हो, देखा? बहुत सारे बहाने आते हैं इसको, चलो फिनिश करो। आओ बैठो। वैसे काफी फिट हो तुम, बस किसी को मेंटेन रखो। अच्छा, वो कैसे? मेरी तरह
रोज एक्सरसाइज करके। मुझे तो आदिल तुम्हें सिखाना पड़ेगा। हमेशा से तैयार, आ जाओ आज ही सिखा देता हूं तुम्हें। ओके चलो। बताओ क्या करना है। बैक स्ट्रेट, नाइस पोजिशन, टीना चाची इधर आओ जल्दी। क्या हो रहा था ये चाची? चाची वो एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज? तुम्हें कुछ समझ में आता है? किसी भी अनजान आदमी के साथ खुल मिल जाओगी? हाँ चाची वो। आगे से ध्यान रखना बेटा, आजकल का ना समाना बहुत खराब है, समझी? अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ, जाओ। मुझे तो कभी एक्सरसाइज नहीं सिखाई तुमने। तुमने मौका ही नहीं दिया। तुम्हें बेड से फुर्सत मिले तभी तो एक्सरसाइज सिखाऊंगा। गुस्सा? यहाँ समी, तुम जो मुझे खुशी देते हो ना, वो आज तक मुझे अजी ने कभी दे ही नहीं पाया। इसलिए बेड के अलावा ना मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। तुम जाओ यार, टीना ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से मुझे नींद आ रही है। गुस्सा तो मुझे तुम पे होना चाहिए। हंस हंस के तुम टीना से फ्लर्ट कर रहे थे। सब समझती हूँ मैं। एक्सरसाइज तो सिर्फ बहाना है। देखो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। तो मैं थकान उतार देती हूँ। हाँ, आओ ना। देखो मेरा मन नहीं है, प्लीज चले जाओ। तुम मन बना देती हूँ। बोला ना सोने दो। हाँ
अच्छा है ना? छोड़ो, हम क्या? टीना, चाची, ओ, तो मेरा घर पे ना रहने का ये फायदा उठाया जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि किसी भी अनजान आदमी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। जानती कितना तुम इस समीर को, हाँ? और समीर तुम, ये मेरी जेठ की बेटी है, यानी मेरे पति के भाई की बेटी, और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अजय को पता चला ना तो तुम्हारी क्या हालत होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। सॉरी कविता जी। आने दो तुम्हारे चाचा को, सब बताती हूँ। सॉरी चाची, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज सॉरी। मैं तुम्हें ना लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, समझ आया? अब जाओ ऐसे। अब समझ में आया कि तुम्हारा मुझसे मन क्यों भर गया, मुझ में इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया। हाँ देखो कविता, जो तुमने आज किया है ना वो सही नहीं किया। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है, अभी निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। तुम पहले मुझे बताओ कि ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है, बोलो बोलो ना बोलो, ऐसा क्या उसमें, बोलो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। समीर, जाओ यहां से। आ गया। अरे चाचू, आज आप जल्दी घर आ गए। हाँ मैं जल्दी आ गया, मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली है, और मैं, तुम और तुम्हारी चाची खूब मजे करने वाले हैं। क्या बात है चाचू, मतलब अब आप 2-3 दिन घर पे ही रहोगे? यस, घर पे ही रहने वाला हूँ। क्या बात है। आप घर पे? अरे आपका तो अपना काम है और आप छुट्टी लेके बैठ जाएंगे तो वर्कशॉप पे कौन दिया? कविता सुपरवाइजर है ना, और वैसे भी 2-3 दिन का नुकसान मेरी टीना के लिए कुछ भी नहीं है। अरे घर पे क्यों, टीना को बाहर शॉपिंग मॉल लेके जाओ, शॉपिंग करवाओ, मूवी दिखाओ। अरे नहीं नहीं, मेरे को मॉल वॉल नहीं जाना, मुझे ना घर पे ही रहना है चाचू के साथ। चाची मॉल ले जाएगी, और हाँ जाने से पहले खूब ढेर सारी शॉपिंग करवाना चाची से, ठीक है? जी। अच्छा ये बता क्या मंगवाऊं? पिज्जा? हाँ पिज्जा। चल ऑर्डर करते हैं। कविता आओ ज्वाइन करो। नहीं नहीं, आप लोग खेलो ना, मुझे काम है। चाची चीटिंग मत करो, ठीक है? चीटिंग नहीं है बेटा। ये चाची इतनी रात को कहाँ चली? कविता नहीं, कविता ये हुई ना बात। ये नाश्ता किसके लिए लेके जा रही हो? समीर के लिए।
क्या बदतमीजी है ये? मैंने तुमसे मना किया था ना उसे दूर रहने के लिए। अच्छा, ताकि आप उसके पास रह सकें। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? चाची, मतलब आप खूब समझती हैं। मैंने देखा था आप दोनों को रात में। मैं आप दोनों के बारे में सब जानती हूँ। कितने प्यार से मिल रहे थे तुम। हाय, मैं तो समीर पे फिदाई हो गई। टीना, तुम ना अपनी हद में रहो, समझी? आप अपनी हद में रहिए। शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा औरत होते हुए अपनी उम्र से छोटे लड़के के साथ चक्कर चला रही है? मुझे सिखा रही थी, पहले आप अपने संस्कार ठीक कीजिए चाची। और हाँ, आज के बाद अगर मुझे समीर से मिलने या बात करने से आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं चाचा को आपके इस चक्कर के बारे में सब बता दूंगी। मुझसे मन भर गया ना? हाँ, तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब उसके साथ। इस्तेमाल मैंने तुम्हारा नहीं किया है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। और मैं नहीं आया था तुम्हारे पीछे, तुम आई थी मेरे पीछे, समझी? हाँ, तो रहो ना मेरे साथ में। ऐसा वो क्या दे देगी जो मैं नहीं दे सकती? प्लीज समीर, मुझे मत छोड़ो। प्लीज समीर, समीर, समीर। कविता, अजय जी ना उठ जाए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। समीर जाओ। समीर, मुझे मत छोड़ो ना। समीर, 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 बोला ना, जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया। अगर समीर मेरा नहीं हुआ ना तो मैं टीना का भी नहीं होने दूंगी, किसी का भी नहीं। समीर मेरा है, सिर्फ मेरा। समीर। प्रिया, तुम? हाँ मैं, क्यों खुश नहीं हुई मुझे देखकर? नहीं, मतलब वाकई में सरप्राइज हो गया। अजय जी, ये समीर की वाइफ है। नमस्ते। नमस्ते। आओ चलो तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, वाकई में बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। सच? मुझ Thank you.
मैं मंदिर जा रही थी। लेकिन मंदिर यहाँ पर है कहाँ? कविता जी ले जाएंगी ना? मैं? हाँ चलिए ना कविता जी, हमारी बातचीत भी हो जाएगी। मैं समीर के लिए पूजा करने जा रही थी। चलिए ना कविता जी। हाँ हाँ चलिए ना। हाँ बड़ा रात को प्रिया को प्यार कर रहे थे? बीवी है वो मेरी, उसे मना नहीं कर सकता। वो ज्यादा अच्छी है या मैं? तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कैसे सवाल कर रही हो? तो तुम मेरे बिना रह सकते हो? अब ये कैसा सवाल था? बताओ ना। नहीं, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। और जो अपनी बीवी के साथ रात गुजार रहे थे उसका क्या? अब वो आ गई, मैं क्या करूं? तुम्हारी चाची ने चाल ही ऐसी चली है। चाची, उनको तो मैं देख लूंगी, पर तुम पहले अपनी बीवी को घर वापस भेजो। ऐसे कैसे भेज दूं वापस उसे? उसको थोड़े टाइम यहाँ पे रहना तो पड़ेगा, वरना उसे शक हो जाएगा। मैं भी उसे यहाँ से भेजना चाहता हूँ बहुत ही जल्दी, लेकिन मजबूर हूँ, समझो। इस टीना और समीर का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे प्रिया के साथ भेजकर खुद दोनों पीछे से मजे कर रहे थे। टीना को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, समीर मुझसे अलग नहीं हो सकता। छोड़ूंगी नहीं मैं टीना को। कविता क्या हुआ? कविता क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। तो तुम्हारे चेहरे पे बारह क्यों मुझे? वो बस घर का सामान लेकर आना था बाहर जाके, बस वो ही सोच रही थी। अच्छा, कविता ये कुछ पैसे हैं घर के सामान के लिए, ओके? और अगर कुछ कम पड़े तो कार्ड यूज कर लेना, ओके? चलो अपना ख्याल रखो, हाँ बाय। हाय, क्या जोड़ी है आप दोनों की, भगवान करे ये ऐसे ही सलामत रहे। प्रिया चलो आज ना तुम्हें मैं मार्केट घुमा लाती हूँ। टीना तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं दीदी, वो ना मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं आराम करूंगी, तो फिर दवाई लेकर आराम करूं। चले। आती हूँ। ठीक है, एंजॉय। क्या बात है, आज तो चाची खुद ही चले गई। लगता है हार मान ली उसने। छोड़ो हम क्या।
मैंने फोन कहाँ रख दिया? अरे ये रहा फोन, टेबल पे ही था। ठीक है फिर चलते हैं। हाँ चलो। सुनो ना, ये तो टीना और समीर की आवाज आ रही है ना, और टीना की तो तबीयत खराब थी। चलो ना चलकर देखते हैं। मुझसे दूर, घर वालों से दूर, शर्म भी नहीं आई। छी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है प्रिया। अब देखने और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और ये तेरे सर में तो दर्द था ना, देख रहे हो सविता जी, आपकी अपनी भतीजी मेरा घर उजाड़ने पर लगी हुई है। एक औरत होकर एक औरत का घर उजाड़ रही थी। अब मुझे समझ आया कल से क्यों तुम दोनों मुझे बाहर भेजने पर लगे हुए थे, ताकि ये सब कर सको। चुप, मैं घर जाके तुम्हारे और अपने घरों को सब बता दूंगी कि आओ यहाँ देखो क्या हो रहा है। प्रिया प्रिया प्लीज, घर वालों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। प्रिया मुझे माफ कर दो प्रिया प्लीज। मैं मायके जा रही हूँ, अगर आज शाम तक तुम घर नहीं आए तो फिर देखना मैं सबको बता दूंगी। फिर तुम चाहे नौकरी छोड़ो या तुम कुछ भी करो, सिर्फ आज तक का टाइम है तुम्हारे पास। मैं जा रही हूं। प्लीज सुनो सुनो, आ गए आप? आज तो सब मैंने आपकी पसंद का खाना बना रही हूँ। अरे वाह वेरी गुड। कविता आज बहुत शांति दिख रही है। प्रिया जी कहाँ हैं? प्रिया अपने गांव वापस चली गई। क्यों? उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो फोन आया चली गई वो। ये कोई नहीं, फ्रेश हो लेता हूँ। क्या हुआ, अब तक प्रिया की बातों को लेकर बैठे हो? प्रिया जैसे चली गई, जिस तरीके से उसे पता चला है सही नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, पर अब क्या ही कर सकते हैं। अब माँ बाबूजी को कैसे फेस करूंगा मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, बीवी है वो तुम्हारी। और अगर बता दिया तो? नहीं बताएगी बाबा, बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। उसको छोड़ो ना। जब तुम्हारे साथ हो तुम सब कुछ भूल जाता हूं। अच्छा सुनो, कुछ देर और रुक जाओ ना। पागल हो क्या? चाची ने देख लिया तो फिर कोई नया हंगामा खड़ा कर देंगी। अभी मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। जब तक ये टीना इस घर में रहेगी ना, तब तक ये समीर मेरा नहीं हो सकता।
इस टीना का तो इलाज करना पड़ेगा। मुझसे पंगा लिया है ना, बता दे मैं इसको। उठो ना कविता। अजय कविता सोने दो, कुछ दिखाना है मुझे तुम्हें। कविता कुछ दिखाना है मुझे तुम्हें। क्या दिखाना है? अरे बाबा तुम चलो। समीर के कमरे में क्यों आए हैं? अरे आप दरवाजा खोले तो सही, चलिए। टीना चाचा जी बचा लेते मुझे। चाचा जी इसने मेरे साथ अजय जी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अजय जी चाचा जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था चाचा जी। इसने मेरे साथ मेरी नहाने वाली वीडियो बनाई थी जिसको वायरल करने के लिए धमकी दे रहा था। अजय जी ये झूठ बोल रही है। अजय जी ये झूठ बोल रही है। आपको यकीन नहीं होता तो आप कविता जी से पूछ लीजिए। कविता चाची क्या बोलेंगी? इसने उनको भी नहीं छोड़ा, ये हम दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अजय जी ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, ये अपने आप को बचा रहे हैं और मुझे। हाँ ये बिल्कुल सच बोल रही है। मेरी घर की इज्जत टूटेगा, मेरी घर की औरतों का इज्जत लूटेगा। ये पुलिस नहीं, मैं सजा दूंगा। मैं टीना क्यों झूठ बोल रही थी? सच बता, सच बता। मेरी औरतों के साथ इज्जत टूटेगा। मैं सजा दूंगा तुझे। मैं ये समीर उठ। लगता है मर गया। रात को कौन हो सकता है? मैं देख कर आती हूं। प्रिया तुम यहां? मैं समीर को लेने आई हूं, लेकिन समीर तो चला गया यहां से। चला गया? लेकिन वो तो अभी तक घर ही नहीं पहुंचा। अरे रास्ते में होगा ना। प्रिया रुको। नहीं समीर अभी नहीं। समीर
समीर हटो पकड़ो उसे उठ जाओ देखो इससे पहले वो दोबारा आए हमें लाश को ठिकाने लगाना होगा चलो आओ तुम लोगों ने अपनी हवस के चक्कर में मेरे पति को बलि का बकरा बनाकर मार डाला अरे इसने गलती तो की थी लेकिन किसी का रेप तो नहीं किया था ना झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब सच है ये मैंने खुद टीना और समीर को रंगे हाथों पकड़ा था किसी और के घर में डाका डाल देते जैसा भी था जिंदा था घर से निकाल देते मेरा सुहाग उजाड़कर क्या मिला तुम लोगों को मेरा किया ही सहारा था लेके चलो इन्हें